ये है भदोही, जिनको भदोही का ठीक से नाम न पता हो कुछ लोग विजय मिश्रा के नाम से जानते हैं, लेकिन इन दिनों विजय मिश्रा के सितारे गर्दिश में, क्योंकि एसपी ने 71 मुकदमों की लिस्ट जारी की है। ऐसे में विजय मिश्रा और जिला प्रशासन आमने सामने, लेकिन इन सबके बीच क्षेत्र के लोगों का क्या कहना है, क्या क्षेत्र के लोग भी यही मानते हैं या कोई और है कहानी, आइए हम उन लोगों से बातचीत करते हैं। भाजपा सरकार में जो कि गड्ढा मुक्त का दम्भ भर रहे थे माननीय योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उन्हीं के रिज्यूम में बनी हुई सड़कें गड्ढायुक्त हो गई हैं, आग से आप देख रहे हैं पत्रकार बंधु। हम किसको विकास पुरुष माने, हम किसको जनबली माने, चार बार से ब्लॉक प्रमुख, एक बार जिला पंचायत अध्यक्ष, चौथी बार विधायक, अगर विकास न करते तो जनता उन्हें चुनती, अगर गुंडा अपराधी होते तो जनता कभी उन्हें मत देती। और गुंडा अपराधी की जहाँ तक बात है वह तो एक प्रशासनिक विषय है, लेकिन जनप्रणाली का विषय है, जनतंत्र है, यहाँ कोई राजतंत्र नहीं है। और जनतंत्र में हम यह समझते हैं कि पदारूढ़ व्यक्तियों के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, वर्तमान में प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री, कई मुख्यमंत्रियों के ऊपर भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, मंत्रियों के ऊपर दर्ज है, विधायकों के ऊपर दर्ज है, तो सिंगल व्यक्ति के ऊपर का कार्रवाई हो तो समूचे भारत में हो, समूचे प्रदेश में गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो, जो हत्या हत्या के प्रयास में लिप्त हों उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए, ऐसे लोगों को सदन में जाने से वंचित किया जाए, इस तरीके के का कठोर कानून लाया जाए। और ये नहीं कि जो विकास का कार्य करता है उसका टांग खींच दिया जाए, उसे गुंडा मवाली बताया जाए, अपने को शरीफ बता दिया जाए, यह तो गलत कृत्य है और एक पक्षीय कार्रवाई, गलत कार्रवाई होती है। हम तो समझते हैं चोर चोरी करता है वो भी अपराध करता है, लेकिन पदारूढ़ व्यक्ति IAS IPS चाहे मंत्री विधायक सांसद चाहे जो भी हो, अगर ये अपराध करता है तो इनके अपराध को देशद्रोह की श्रेणी में माना जाए, इसके लिए सदन में कभी विधायक और सांसद आवाज़ उठाते नहीं दिखते। आय से अधिक हम समझते हैं कि जितने भी ज़्यादातर नेतागण हैं बहुमत में है, उनकी संपत्ति आय से अधिक है, यह देश की संपत्ति को लूटे नहीं है, जनता की संपत्ति को लूटे नहीं है, इनके ऊपर कार्रवाई कब तक होगी? हम ये चाहते हैं सिंगल नहीं, ईर्ष्यावश नहीं किसी के ऊपर गुंडा एक थोप दिया जाए। जैसे आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, मैं जिलाधिकारी से वार्ता किया, CMO से सबसे वार्ता कर किया कि यहाँ कोरोना के पेशेंट तो नहीं आए हैं, बाहर से आए चेक किया जाए, तो जाँच आज तक नहीं हुई, लेकिन हमारे ऊपर 188/269 का मुकदमा लाद दिया गया, और भी लाद दिया जाता, हम आतंकवादी थे, हमारे लिए कई बार दबिशें हुई। जब सामाजिक कार्यकर्ता सत्य बोलने के हवालों के ऊपर इस सरकार में कार्रवाई होती है, और आज तक ज़्यादातर दिन जितने दिन से सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में धारा 144 के अंतर्गत ही कार्य चल रहा है, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी को समय कब मिलेगा, कब होगा जनतंत्र? और ऐसा जनतंत्र कि मालिक, अगर डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपुल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपुल, यह जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए है, तो ये बताइए कि मालिक सेवक से किसी कार्य के लिए, किसी आंदोलन के लिए अनुमति ले? यह तो बात निहायत ही गलत है। हम सूचना दे सकते हैं, इसके लिए सदन में क्यों नहीं आवाज़ उठती? सदन में किस अधिकारी से अनुमति लेके नारा और विरोध प्रदर्शन किया जाता है? कई विषयों पर गंभीर होना पड़ेगा, तब जाके हम संपूर्ण रूप से लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। ये तो कुत्सित कार्रवाई है, ये तो हम ये भी सोचे कि ब्राह्मणों के ऊपर एक तरफा इस सरकार की कार्रवाई है। हम तो ये भी जानते हैं कि योगी जी के सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, योगी जी को शहर से इस्तीफा देके अपने मठ में चला जाना चाहिए। जय हिंद जय भारत। आपको क्या लगता है जो भाजपा सरकार है ब्राह्मण द्रोही सरकार है? भाजपा सरकार नहीं, वर्तमान में पदारूढ़ मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं इनके भाव सिर्फ अपराधियों को, सदन में अपराधी हैं। योगी जी बता दें स्वयं कि किसके ऊपर कितने मुकदमे हैं, उनके ऊपर अभी तक गुंडा एक्ट क्यों नहीं लगा, किसके किसके ऊपर हत्या और हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं, उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सत्य बोलने वाले के ऊपर कार्रवाई हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जब देखिए तो धारा 144 जनपद में लगा है। अरे कब धारा 144 से मुक्त होगा यह प्रदेश, कब धारा 144 से मुक्त होगा? हम अपनी आवाज़, अपनी अभिव्यक्ति, अपनी पीड़ा को हम ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, आवाज़ पहुंचाने की कार्रवाई होगी तो मुकदमा ठोक दिया जाएगा कि मुकदमा। लेकिन मैं आपको ये भी कह दे रहा हूं, अनंत जी आप पत्रकार हैं,
हमारी आवाज़ को कोई प्रशासन या मुख्यमंत्री नहीं, सत्य निष्ठा और जनहित के लिए अगर मुझे प्राणांत का सामना करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं एक छोटा मोटा सामाजिक कार्यकर्ता हूं, लेकिन आवाज़ बुलंद करने में पीछे। मैंने पूछा है ट्विटर पर, वो पीएमओ के हमारे ट्विटर में माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब लोग हैं, मैंने कहा कि अपराधी को संरक्षण दे के पुष्पित पल्लवित करने वाले खाकी और खादी के दुर्दांतों को दंड कब तक? सरकार जवाब दे। अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो विकास पुरुष है उसके ऊपर जब होता है मुकदमा, जो अच्छा कार्य कर रहा है मुकदमा, अगर वास्तव में गलत है और जितने लोग गलत हैं तो प्रभावी कार्रवाई सब पर हो, चाहे वो पदेन मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, उनके ऊपर भी अगर इस तरीके से तो गुंडा एक्ट लगाया जाए और पद से पदच्युत किया जाए। यह तो गलत बात है कि सत्ता यह जनतंत्र है, यह कोई राजतंत्र नहीं है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए वह कुर्सी नहीं है, सदन विश्वास में आकर उनको कुर्सी दी गई है। विश्वास मत, पूर्ण बहुमत की सरकार है। पूर्ण बहुमत की सरकार ये नहीं कि जनता को पीड़ित करे और सत्य को परेशान करे। जो सत्य है जो भी हो उसको कबूल करे, उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करने के लिए समस्त IPS और समस्त IAS को आदेशित करे। अगर गलत मेरी बात हो तो हम अपनी बात, हमारी बात गलत नहीं, हमारी बात यथोचित है, उचित है और सत्य है। जो यहाँ के ग्रामीण इलाके से जो लोग हैं, जो समाजसेवी हैं, जो भी हैं, लोगों का यही कहना है कि इस सरकार में जो भी सच के आवाज़ उठा रहा है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनके ऊपर मुकदमा हो रहा है और उनसे उन्हें जेल भेज दिया जा रहा है। ये यहाँ स्थानीय के जो लोग हैं उनका मानना है। अनंत देव पांडे, ग्लोबल भारत, भदोही।